देख रहे हैं देश जी न्यूज। जिस तरह से चुनाव प्रचार के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव प्रचार के लिए निकलते समय मीडिया से बात करके उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत माता की जय कहने में लोगों को क्यों शर्म आ रही है, क्या भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो क्या पाकिस्तान की जय कहेंगे या चीन की जय कहेंगे। इस तरह से सीधे तौर पर हमला करते हुए देखे जीतन राम मांझी और आरजेडी के ऊपर भी हमला करते हुए दिखे। कहा कि अगर आरजेडी के लोगों को भारत माता की जय कहने में शर्म आ रही है, कांग्रेस के लोगों को भारत माता की जय कहने में शर्म आ रही है, सीधे तौर पे आरजेडी पे हमला करते दिखे। और 2005 की बात उन्होंने साफ तौर से जंगल राज की बात कही और ये भी कहा कि अगर जो लोग मतदाता हैं अगर 2005 की स्थिति देखना चाहते हैं तो वो आरजेडी के लोगों को मतदान कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा, चुनाव आयोग को कहा, धन्यवाद देते हुए साफ तौर से कहा और ये भी कहा कि मतदाताओं को अपील की है कि एनडीए के पक्ष में वोट करें। सीधे तौर पे जीतन राम मांझी ने भारत माता की जय को लेकर जिस तरह से चुनाव में सियासत शुरू हो गई है उसको लेकर सीधे तौर पे राजद के लोगों पर यानी आरजेडी के ऊपर हमला करते दिखे और कांग्रेस के ऊपर जीतन राम मांझी हमला करते दिखे। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, उनकी बातों को आप सुनिए। चुनावी सभा को करेंगे और कौन कौन साथ होंगे आपके? देखिए आज हमारे साथ सम्राट चौधरी जी भी हैं, मुकेश सहनी भी रहेंगे एक जगह से और हम भी रहेंगे। हम लोगों को दरभंगा में भी है, पूर्णिया का कस्बा में भी है, फिर और करीब करीब 6 मीटिंग हम लोगों को आज करनी है। उस मीटिंग कर करके चूँकि 4:30 के पहले लौट जाना है तो 6 मीटिंग करके हम लोग आज बिहार हवाई अड्डे पर लौट जाएंगे। कस्बा में आपका मुख्यमंत्री जी के साथ प्रोग्राम है? नहीं, मुख्यमंत्री जी का कस्बा में प्रोग्राम नहीं है, शाम को मालूम है, हमारा अपना प्रोग्राम है। हम तीनों वहाँ जाएंगे, वहाँ हमारा उम्मीदवार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का कड़ाही छाप लेकर के खड़ा है राजेंद्र यादव जी और वो बहुत अच्छी स्थिति में है और हम लोगों के जाने के बाद हम समझते हैं उनकी जीत सुनिश्चित हो। सर, बिहार विधानसभा का आज अंतिम दौर का चुनाव प्रचार है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा चुनाव आयोग है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना शांतिपूर्वक चुनाव ये सम्पन्न हुआ, इसकी आशा नहीं थी। और मतदाताओं को भी उन्होंने आगे लाया है, परसेंटेज ऑफ वोट भी अच्छा रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि जो कुछ अत्याचारी ग्रुप के लोग हैं, हुल्लड़बाज जिसको कहते हैं, हुल्लड़बाजी में विश्वास करके आम जन को त्रस्त करते रहे थे, आज अगर उनकी सरकार बनती है तो हम समझते हैं फिर 2005 के पहले वाला जो जंगल राज था बिहार में आ जाएगा। यहाँ के जो भी उद्योगपति हैं भागेंगे, जो भी सम्भ्रांत लोग हैं बाहर भागेंगे। इसलिए एनडीए के पक्ष में लोगों को वोट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, सब कोई अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, तो अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं इस पर कुछ लोगों को आपत्ति होती है, राजद के लोग, कांग्रेस वाले लोगों को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की आपत्ति जो होना है वो गलत है। इसका मतलब है कि भारत में भारत माता की जय न बोल के क्या पाकिस्तान की जय बोलेंगे या चीन की जय बोलेंगे। तो ये भी हम संदेश देना चाहते हैं अपने भाइयों को कि हर तरह से इस देश के मातृभूमि की सुरक्षा के लिए और उसके रक्षा के लिए हम लोगों को भारत माता की जय बोलने में कहीं भी हिचक नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो आज हम कहना चाहते हैं कि बिहार में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि NRC के नाम पर यहाँ के लोगों को बाहर किया जाएगा, जिसमें खास करके अल्पसंख्यकों का सवाल है। कल ही पूर्व मुख्यमंत्री ने बोलने का काम किया है, हम भी शेयर करते हैं कि बिहार की धरती में, बिहार में जो रह रहे हैं उनकी धरती है, उससे किसी को हटाया जाना हम नहीं समझते हैं कि कोई संभव हो सकेगा या संवैधानिक होगा। इसलिए उनको भी डट करके वोट करना चाहिए और विकास के लिए वोट करना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। यही हम आज संदेश देना चाहते हैं बिहार वासियों को, अंतिम चरण का चुनाव और शांतिपूर्वक हो जाए, ये भी एक हम लोग की अभिलाषा है। और उम्मीद है कि हम लोग ठीक ढंग से ही, जिस तरह से 2 चरण हम लोग व्यतीत किया, तीसरा चरण भी उसी तरह से चुनाव होगा और बिहार की जनता निश्चित रूप में नीतीश कुमार के नेतृत्व में
विश्वास किया है, खास करके महिलाएं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार आगे बननी है, जो कि बिहार के लिए शुभ संकेत है। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।